हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर अडेप्टेशन इन एनिमल्स। चैप्टर का टेस्ट में फर्स्ट करेंगे टिक द करेक्ट आंसर में। ए डेंस सॉफ्ट कवरिंग ऑफ हेयर, हेयर की जो सबसे सॉफ्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हम फर बोलते हैं। डैश कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इन टू दियर सेल्स। कौन है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन को जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सेल्स के अंदर, स्पॉन्जिज। फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ हेल्प डैश टू च्यू फूड इजली। जो फ्लैट और बिल्कुल चौड़े जो टीथ होते हैं वो फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। किन के लिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर्बीवोर्स के लिए इजली होता है च्यू फूड। बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ दियर। बर्ड्स जैसे कि डक हो गया, स्वान हो गया, वो वाटर के अंदर स्विम करते किसकी हेल्प से? उनके बिल्कुल जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है फिट का, वेब्ड फिट बोलते हैं इनको। ये पढ़ाया था, उसकी पिक्चर भी दिखाई थी डक की। यू टू एग्जाम्पल ऑफ हिच फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी। माइग्रेटरी एनिमल, जो कि माइग्रेट करते हैं, कोई दो एनिमल बताना है, वेल, लोकस्ट। हैबिटेट, हैबिटेट बहुत सारी हो सकती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, यानी जहाँ पर एनिमल्स के रहने की जगह, जैसे रिवर, सी, ये भी हैबिटेट हो गई। लिम्बलेस एनिमल, इनके अंदर लिम्ब नहीं होती, दे हैव नो लिम्ब। स्नेक एंड बोम, डैश मूव्स बाय शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग इट्स बॉडी। कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपनी बॉडी को शॉर्ट भी करता है और लेंथ भी करता है और फिर उसके थ्रू ब्रीथ करता है? वॉर्म। डैश एनिमल्स कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल का बताना है जो लैंड के ऊपर भी रह सकते हो वाटर के अंदर, एम्फीबियस एनिमल्स। डैश इज ए केमिकल प्रोसेस विच चेंजेज फूड इन टू एनर्जी, ऐसी केमिकल प्रोसेस बतानी है जो फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो। डैश इज ए डोम शेप्ड मसल दैट लाइज बीनीथ द लंग्स, लंग्स के बिल्कुल नीचे एक इस टाइप की मसल प्रेजेंट होती है, डायफ्राम उसको बोलते हैं। मैच करना है, सबसे पहला है माइग्रेशन, माइग्रेशन का एग्जांपल आ जाएगा आर्कटिक टर्न। उसके बाद कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं टाइगर के अंदर। थर्ड आ जाएगा स्पायरिकल्स, किस किस बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ग्रास ऊपर के ऊपर। फोर्थ है फ्लिपर्स, फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं पेंगुइन के। फिफ्थ है स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं हेजहॉग। सिक्स्थ है मॉइस्ट स्किन, किसकी होती है, अर्थवर्म की। अब कुछ ट्रू फॉल्स करेंगे। एरियल एनिमल्स मोस्टली स्टे ऑन ट्री, जो एरियल एनिमल्स है वो ट्री के ऊपर स्टे करते हैं, ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जो एरियल एनिमल है वो इन एयर स्टे करते हैं। लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ दियर वेब फिट। लिजार्ड, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज वेब्ड फिट की हेल्प से स्विम करते हैं, ये फॉल्स है, वो वेब्ड फिट की हेल्प से नहीं, शॉर्ट लिम्ब होती है उनकी, उसकी हेल्प से मूव करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग मसल्स, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर फ्लाइंग मसल होती तो वो फ्लाइट ही ना कर पाते। फ्लाइट लेस, लेस का मतलब वो मूव नहीं कर पाते, वो फ्लाई नहीं करते बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच की भी, तो इनके फ्लाइंग मसल तो होंगे ही नहीं, इसलिए फॉल जाएगा। वेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ एयर थ्रो ब्लो होल, वेल और डॉल्फिन है वो ब्रीथ करती है एयर को ब्लो होल के थ्रू, ये बात भी ट्रू है। फिश यूज टेल फिन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, फिश क्या है, टेल फिन का यूज करती है डायरेक्शन की, मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करने में, यानी वाटर के अंदर जब वो मूव कर रही है और उसको दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है तो वो टेल फिन के थ्रू ही डायरेक्शन को चेंज करती है, ये बात ट्रू है। एनिमल्स माइग्रेट इन ऑर्डर टू ब्रीथ एयर, एनिमल माइग्रेट करते हैं एयर को ब्रीथ करने के लिए, नहीं या तो फूड की कमी होगी, स्कार्सिटी, या फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, जैसे कि टेम्परेचर उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वार्मर चाहिए और वो रह रहे हैं कोल्ड रीजन में, तो वहाँ से उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, या जैसे
फिश की किस में होता है वो, सी फ्रेश वाटर के अंदर जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए ब्रीडिंग टाइम पे। नेक्स्ट है, ठीक द करेक्ट आंसर, मीट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प, मीट ईटिंग एनिमल के अंदर शार्प कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। स्नेक्स मूव यूजिंग डैश प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ दियर बॉडी। स्नेक किसके हेल्प से मूव करते हैं कि उनके जो बॉडी के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड उनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू स्नेक मूव करते हैं। डैश हैव वेट स्लिमी स्केल, जो फिश होते हैं उसके वेट स्लिमी स्केल्स होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड रेप्टाइल के होते हैं वो ड्राई स्केल्स होते हैं। द स्पाइरिकल्स लीड टू ए नेटवर्क ऑफ ब्रीथिंग ट्यूब कॉल्ड, स्पाइरिकल्स मिलके एक नेटवर्क बनाता है ब्रीथिंग ट्यूब्स का। ये ग्रास ऊपर के अंदर होता है, पिक्चर के अंदर करवाया भी था। स्पाइरिकल्स एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल सा बनाता है ब्रीथिंग ट्यूब का, जिसको ट्रैकिया सिस्टम बोलते हैं। ये ट्रैकिया आ जाएगा इसका आंसर।